पर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती बाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे बाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती बाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे बाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन छकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमर मंडोला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर नया का एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल, मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान, जिसका नाम इंसान, जिसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान, इसमें ही शैतान छिपा है, इसमें ही भगवान। बड़ा गजब का है ये खिलौना, बड़ा गजब का है ये खिलौना, इसकी नहीं मिसाल, मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, लिखा तू घर चल, मैं नवकुमार बाबू के यहाँ से होकर अभी आया। दरु दीदी के यहाँ जा तो, पर देखो देरी ना करियो, तुम्हारी मौसी जी तुम्हारी बाट देख रही है। हाँ तो चल। कुमार बाबू पहले तो हमारे ही घर जा रहे हैं। हाँ जाएंगे क्यों नहीं, जाकर खबर दे दूं। अरे ठकरानी जी टोकरी तो भूली गई आप। अरे ओ पुप्पी जी, पुप्पी जी। अरे चिल्लाती क्यों हूँ, क्या मैं बहरी हूँ? बता क्या लाई? समर बाबू आए हैं। आज भी परवल नहीं लाई? समर बाबू आए हैं। और बैगन? ओफो क्या मुसीबत है, कह रही हूँ समर बाबू आए हैं। है समर आए? हाँ। बेटी पहले क्यों ना बताया तूने? कह तो रही हूँ मगर सुनो भी तो कहीं। दीदी, दीदी, ए दीदी। हाँ क्यों रही है, क्या भूत ने पीछा किया है तेरा? भूत नहीं दीदी, समर बाबू वो आ गए। लाओ रुपया इनाम दो, लाओ इनाम दो। मुझे क्या पड़ी है, जो आए हैं
उनके घर जा और उनके मौसे से मां। उनसे क्यों मांगू, पहले तो वो यहां आ रहे हैं, तुम ही को इनाम देना पड़ेगा। निकालो रुपया। उमा, यहां पहले यहां आ रहे हैं? यहां नहीं तो कहा। चल तू, चल मैं। समर, कब आए? जी अभी आया। अरे बहुत दिनों से तुम्हारी मौसी की कुछ खैर खबर मालूम नहीं हुई, कैसी हैं वो? ख्याल है अच्छी होंगी। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम के लिए जरा जल्दी पहुंचना है। अच्छा बेटा समर। फूफी जी। अच्छा मैं चला। जीते रहो बेटा, जीते रहो। वकालत की परीक्षा में कैसा रहा समर? आपके आशीर्वाद से अच्छा। क्यों ना हो, सपूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। आजा बेटा, अंदर आ आजा। घर के सब अच्छे तो हैं? घर के सब अच्छे ही है। घर में गिनती के तीन तो प्राणी हैं। भैया श्री नवकुमार दत्त, उनको तुमने देख ही लिया, मैं सामने खड़ी हूँ, बाकी रहे घर के सब। तरु, ए तरु, ये लो, वो भी हाजिर हो गए। ले प्रणाम। अच्छा तुम लोग बैठो बेटा, मैं जलपान का प्रबंध करूं। नहीं फूफी जी, मौसी इंतजार कर रही होंगी, मैं अभी घर नहीं गया। ये तो मुझे मालूम है, लेकिन जरा मुंह तो मीठा कर दिया। कितनी बदल गई हो तरु। मैं कभी याद आता था तुम्हें? मौसी से आपका हाल पूछा थी। हाँ, मौसी को तो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास करने की फिक्र, जल्दी से जल्दी इम्तिहान खत्म करके तुम लोगों के पास पहुंचने की बेताबी। सो देखो पहुंच ही गए। लेकिन तरु, तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी? लिखी थी। लिखी थी, मगर मुझे तो नहीं मिली। भेजी नहीं। भेजी नहीं? ओ, तो लाप दे दो मुझे। मैंने फाड़ डाली। फाड़ डाली? क्यों, क्यों तरु? न जाने आप क्या क्या सोचते। ओह, अच्छा सुनिए, आप यहाँ कितने दिनों रहेंगे? यही इम्तिहान के नतीजे निकलने तक। क्यों तरु? यहाँ आपका दिल लगेगा, सुना है कलकत्ता बड़ा शहर है, वहाँ ऊंची ऊंची कोठियाँ, लंबी चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, चारों ओर चहल पहल, और गांव में क्या है, छोटे छोटे झोपड़े, झोपड़ों में अंधेरा, थोड़े दिन में उगता जाएंगे आप। मेरे अंधेरे झोपड़े में तुम एक दिया न जला सकोगी तरु। क्यों तरु? मेरे झोपड़े का उजाला बनोगी। भाभी बुला रही है, मैं अभी आई। क्या है भाभी? समर के लिए जलपान ले जा। हाँ। समर बाबू, बिहारी आपको बुलाने आए हैं, आपकी मौसी जी बहुत गुस्सा हो रही है। ओ मौसी। हाँ। बड़ी भूल हो गई, कह दो मैं आता हूँ। अच्छा। हाय, तीन लड्डू? तीन का शगुन अच्छा नहीं होता बेटा। नहीं होता ना। अरे उसे कहियो सब कुछ खा ले। कहा है सब खाना पड़ेगा। अरे गए कहाँ? क्या हाल है?
मौसी। ओ मौसी, मैं आ गया मौसी। उससे बात नहीं करूं? अच्छी बात है, मैं भी रूठ गया। मैं चलता हूँ कलकत्ता वापस। बात करने का ढंग तो देखो, रूठू क्यों ना, वो तेरे इतने अपने हो गए और मैं इस हाल भर से तेरी राह देख रही हूँ, कुछ ना हुई। अरे वाह मौसी, जैसे मैंने साल भर राह नहीं देखी। गुस्से में ये भी भूल गई तुम्हारा इकलौता भांजा अब तक भूखा है। अरे तू अभी तक भूखा है? हाँ? मैं अभी तेरे लिए खाना लाती हूँ। ओ मौसी, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं तो खाना खा के आया। खाया? ओ क्या क्या पकवान खाए? क्या क्या खाए? मैंने फिर भूल गया, मैंने कुछ नहीं खाया मौसी। तू कैसा लड़का है, कभी कहता है खाया, कभी कहता है नहीं खाया। सच मौसी, मैंने कुछ नहीं खाया। तरंगिनी की फूफू उधर खाना लाने गई, मैं चुपके से इधर सटक आया। तू बहुत भूलने लगा है, चार दिन में सबर कर, मैं वो प्रबंध कर दूंगी जिससे फिर ऐसी भूलना। ले जा, तू तालाब में डुबकी लगाया, मैं तेरे लिए खाना लाती। वॉचमैन, काली कपूर कितनी दूर है? अरे धूल ने बहरा कर दिया। ओ वॉचमैन चंदर, काली कपूर कितनी दूर है रे बाबा? बस आ गए। नौकुमार बाबू का मकान कहाँ पर है? जी जी, क्या पास ही तो है। ओहो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हो अरे तो फिर आओ, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं खबर देता हूँ। तो क्या कह दो? कह दो कि हरनाथ बाबू आए, भवानी नगर के जिम्मेदार राम रतन मित्र के नायक। अच्छी बात। नैन, नैन तारा। आए समर बाबू। सुन, अपने बाबूजी से कह दे भवानी नगर के जमींदार रामरतन जी के नायब हरनाथ बाबू आए। अच्छा। और सुन, अपनी दीदी से कह दे मैं आया हूँ। आप जरा बैठिए, वो अभी आते। अच्छा। हाँ साहबजादे, तुम्हारा शुभ नाम? मुझे समरनाथ घोष कहते हैं। करते क्या? जिस साल वकालत का इंतजाम दिया है, कलकत्ते में प्रैक्टिस करने का इरादा। कलकत्ते में? अच्छा अच्छा, मिलते जुलते रहना, मैं बहुत बड़े जमींदार का नायब हूँ, बहुत से काम निकलेंगे। कहावत है ना, बुजुर्गों की सोहबत से बड़े फायदे होते हैं। अच्छा। हाँ सुनो, ये नौकुमार बाबू से तुम्हारा क्या संबंध? जी नौकुमार बाबू से मेरा संबंध तो अभी तक यानी। ओहो आप हैं, नमस्ते 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 नमस्ते। समझ तुम जरा। अच्छा कहिए नायब महाशय, कैसे कष्ट किया? हमारी तरफ से जो बात आई थी ना, उसके सिलसिले में। उसके सिलसिले में? उसके सिलसिले में। क्या सोच रहे हैं? ओ तरु, सोच रहा था आज एक मामूली से सवाल का जवाब न दे सका। किस सवाल का? अभी अभी एक महाशय जी ने सवाल किया, तुम्हारे पिताजी मेरे कौन लगते हैं, मैं कोई जवाब ही नहीं दे सका। अच्छा तरु, तुम होती तो क्या जवाब देती? आपका जवाब ही मेरा जवाब है। सुनो, इसी सवाल का जवाब पक्का करने के लिए मेरी मौसी तुम्हारी फूफी से बातचीत कर रही है।
जोड़ा बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ मेरा जवाब तो सुन लिया ना बहन, लेकिन बात भैया ही पक्की करेंगे। हाँ, हाँ, ये तो है ही। मैं वचन देता हूँ नायब साहब, मेरी तरफ से बात पक्की है। पक्की? पक्की। तो जरा मेरा भी ख्याल रखिएगा। इसके लिए आप चिंता ना करें नायब साहब, चिंता ना करें। आज पढ़ाने का इरादा है या नहीं? अगर कहूँ आज पढ़ाने को जी नहीं चाहता तो क्या तुम चली जाओगी? और नहीं तो क्या, मुझे बहुत काम है। तब तो जरूर पढ़ाऊंगा, बैठो। सुनो, नारी के सच्चे स्वरूप का संपूर्ण प्रकाश उसके घरेलू जीवन की दीवारों के बीच में होता है। जब पुरुष इस मतलबी दुनिया की चोटों से घायल हो जाता है तो उसका विश्राम स्थल वही घर होता है जो नारी के कोमल रूप से जगमगा रहा हो। पुरुष चाहता है कि मैं नारी को सिर्फ नारी के रूप में नहीं बल्कि अपनी कल्पना की देवी के रूप में देखूं, उसे अपने मन मंदिर की प्रतिमा बना सकूं, उसे अपने मन मंदिर की प्रतिमा बना सकूं। करो, सुना? जी। तुम समझी? ये क्या क्या करूं? ठीक ही किया। मौसी, अगर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं तो क्या खिलाओगी? खुशखबरी? हाँ, कलकत्ते से चिट्ठी आई है कि मैं वकालत में अव्वल आया हूँ। ये देखो। मौसी, मैं तो रसगुल्ले खाऊंगा। अच्छा, खाना। तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई बेटा। तो फिर हंसो। अच्छा, तब ये खुशखबरी उन लोगों को भी सुना दो, वो बहुत खुश होंगे। ना, ना, अरे ओ समर, समर। क्या है मौसी? मेरा मन मौज करे। बेटा, अब तू तरंगिनी के घर ना जा। अब भी लौट कर आता हूँ मौसी। उसके बाप ने मना ही कर दी है। मना ही कर दी? मना ही क्यों करने लगे? उसके ब्याह का फैसला हो गया है। ये बात है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने वकालत पास की है और फिर। नहीं नहीं, तरंगिनी का ब्याह तेरे साथ नहीं हो रहा। क्या कहा? तरंगिनी का ब्याह तेरे साथ नहीं हो रहा बल्कि भवानी नगर के जिम्मेदार की दौलत के साथ हो रहा है। क्या कह रहे हो? क्या ये सच? हाँ। लेकिन रामरतन वो तो बुरा है। नवकुमार को उम्र का ख्याल नहीं, दौलत का लोभ है। रामरतन के पास दौलत है। मौसी, अगर रामरतन के पास दौलत है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरा और तरंगिनी का संसार बिगाड़ दे। नहीं मौसी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। अरे समर, दरवाजा खोला। चले जाओ वापस। खोलो दरवाजा। कौन है? सुना है आपने? ठीक ही सुना है। तो आप इस तरह तरु का जीवन सुख और शांति से बीत जाए यही चाहता हूँ और इसी का प्रबंध भी किया है। तो एक बार मैं तरु से मिलना चाहता हूं। असंभव।
A range of blank audio cassettes from T-Series. Rugged, dynamic, and pure quality. Presenting the latest in TV technology. Only from T-Series. Unmatched quality, unbeatable price. T-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees. Free gifts up to 3,500 rupees and with 6 months T-Series warranty. बातें खोल कर कहोगी समझ जाएंगे। ईश्वर का नाम लो और सब जाकर कहो। जाओ, समय बीता जा रहा है, जाओ। लेकिन बाबू, मैं ये ब्याह करो इस समय सो रहे हो जाकर। बाकी बात कल सुनूंगा। क्या तरो, और कोई उपाय न था। उसे डर लग रहा है। डर कैसा? तुम मेरी हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। धीरे बोलो, अगर कोई जाग उठा। उठ जा, मुझे परवाह नहीं। भगवान जानता है कि हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। अब अगर किसी और से ब्याह करोगे तो धर्म से गिर जाओगे। अपने जीवन के इस दुराहे पर कमजोर न बनो तरो, अपना रास्ता चुन लो। जरा सब्र करो, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रहे हो तरो? समय बहुत थोड़ा है। जरा धीरे तरो, मैं देख रहा हूँ सब लोग सो रहे हैं या नहीं। अच्छा, रात गए यहाँ क्या हुआ बेटे? अरे ये आवाज कैसी है? तेरे कमरे में कौन है? वो
वहाँ नहीं बाबू, वहाँ नहीं। कोई नहीं तो ये आवाज कैसी थी? समझा? चोर, चोर ही होगा। हरिया, विष्णु, बाबू, चोमे, बाबू, भाग कर आओ। तू समझा? हरिया रोक रखो इसे, खबरदार भागने ना पाए। चोर ही है, लड़की चुराने आया है। हरिया घसीट कर ले जाओ उसे और जिंदा ही गाड़ दे जमीन में। बाबू मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बाबू तुम उनकी जान ना लो, तुम उन्हें छोड़ दो, तुम उन्हें बचाओ। बाबू तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगी। बाबू याद रखना, बोल क्या कहना चाहता है? जो कुछ कहना है तरंगिनी के सामने कहूंगा। चुप रहे बदमाश, उसका नाम जबान पर ना ला, उसी ने मुझे भेजा है। बोल क्या कहना चाहता है? उसी ने भेजा? हाँ उसी ने भेजा है। बेटी के कहने से तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, मगर सजा ऐसी दूंगा जो जीवन भर न भूले। ले जाओ इसे और ताक दो तहकते हुए लोहे से चोर का शब्द इसके सीने पर। अरे तुम लोग क्या करो, तुम लोग क्या करो? अरे करो, ले जाओ, खींच ले जाओ, जाओ। अरे करो, जो कहा गया है वही हो। कौन? कौन है? समर तू है क्या? समर? गाड़ी आ गई। अच्छा कलकत्ते पहुंचते ही चिट्ठी भेजना। भेजूंगा। जल्दी वापस आएगा ना? वापस? अब किस मुंह से वापस आऊंगा? तू तो जहां भी रहे सुखी रहे। जब तुम थे हमारे
और हम थे तुम्हारे। जब तुम थे हमारे और हम थे तुम्हारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जो हमने तुम्हारे संग में गुजारे, वो थोड़े से दिन, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जाया करते थे नदी के किनारे, बैठे रहते थे गलबैया डारे, सारी दुनिया की सुध बुध बिसारे, गिना करते थे रात को हम तारे। आंखों आंखों में होते थे इशारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। वो पीपल की छाँव में मीठी मीठी बातें हमें याद हैं, वो सबकी नजर से छुपी मुलाकातें हमें याद हैं, वो शरारत वो चुटकी वो प्यार भरी घातें हमें याद हैं, हमें याद है वो सारे नजारे। वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। तुम तोड़ के बंधन सारे, जाते हो पराए द्वारे। यहाँ मन मारे, सारे जीवन की बाजी हारे, आज पागल मनवा पुकारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। जब तुम थे हमारे और हम थे तुम्हारे, वो थोड़े से दिन थे कितने प्यारे। आइए आइए। बारात कब लौट रही है? बस अब आए जाती है। स्वागत का प्रबंध हो गया? आपका गुलाम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। और कोई होता अपनी तो। पीठ अपने आप थपकना बेकार है। दुल्हन की उम्र क्या है? 19-20 साल की हो। मगर सरकार, जोड़ी तो आपके साथ बेहतरीन होती। नायब साहब, याद रखिए आप किससे बातें कर रहे हैं। बेअदबी मैं बर्दाश्त नहीं करता। मगर सरकार, मैं आपने वो अपराध किया है, जी चाहता है सर से पैर तक कोड़े लगाऊं। मगर सरकार, मेरा अपराध मेरे बूढ़े पिता को उकसाकर उनकी दूसरी शादी कराने में नायब हरनाथ जी का ही हाथ है। आप अगर यह कृपा न करते तो आज जमींदार जतीन मित्र का सर इस तरह नीचा नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हम बाप बेटे का संबंध जैसा पहले था वैसा ही बना रहेगा,
और नहीं आने वाली इस घर में माताजी ही होंगी, लेकिन आप सरकार काली माई की कसम। हाँ, आपको उन्हीं काली माई की कसम। सच बतलाइए, इस ब्याह में आपके हत्ते कितने रुपए चढ़े? सरकार सच बतलाइए। ये 500 रुपए सलामी के मिले थे। रुपए उस तिजोरी में रखकर चाबी मेरे हवाले कीजिए। ये रुपए आपके नहीं, जागीर के हैं। जागीर के हैं। जागीर के रुपए। लो जी, जागीर के रुपए साहब, 2 दिन तो तुम इसमें रह लो। सूद दर सूद अगर तुम मेरी जेब में ना आए तो मेरा नाम भी नायब भरना नहीं। तुम इस औरत को जानते हो? जी हाँ। तुमने इसे जख्मी किया? जी हाँ। क्यों? हुजूर, ये लड़की वो लड़की है जिसने सैकड़ों बार मेरे प्यार की कसमें खाई हैं और हजारों बार मुझे अपने प्यार का विश्वास दिलाया है। हमारे माँ बाप ने हमारा प्यार देखा और हमारे ब्याह का दिन मुकर्रर कर दिया। इससे पूछिए क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? पूछिए इससे, पूछिए। ऑर्डर ऑर्डर। यकायक इसका ब्याह किसी दूसरे आदमी से तय पा गया। वो बड़ा आदमी था, उसके पास पैसा था और ये औरत पैसे के लोभ में आ गई थी। मुझे जहर चढ़ गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा मैं इस ब्याह को रोक दूंगा। होते होते ये खबर इस मुर्दार तक जा पहुंची। इसके बाद एक दिन मेरे पास इस औरत का संदेश आया कि आज रात मेरे घर आकर मुझे मिलो। मैं रात को इसके घर जा पहुंचा। इसके बाप ने मुझे पकड़ लिया, जबरदस्ती मेरी झोली में जेवर डाल दिए और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने इस लड़की से कहा तुम बताती क्यों नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इसने मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया। मुझे 1 साल की जेल हो गई। मैंने जेल के 365 दिनों में 365 बार कसमें खाकर इकरार किया कि मैं इस धोखेबाज से बदला लूंगा। और जब मैं जेल से छूटकर घर आया तो मैंने पहले ही दिन इस पर हमला कर दिया और इसका सर फोड़ दिया। तुम्हें इसका दुख है? जी हाँ, मुझे दुख है कि मैंने इसे जख्मी किया और जान से न मार सका। मैं इसे जान से मारना चाहता था और अगर मुझे अब भी छोड़ दिया जाए तो मैं इस पर फिर हमला करूंगा और मेरी कोशिश यह होगी कि दुनिया इसके वजूद से खाली हो जाए। मैं मर्द हूँ, मेरा खून गर्म है। मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा।
बदतमीज। अरे तुमने मुझे पहचाना? ओहो नायब साहब आप यहाँ? अरे भाई ये रही कचहरी और हम रहे जमींदार के नायब। हमें तो यहाँ अक्सर आना पड़ता है, हम तो इस दरिया के मगरमच्छ हैं मगरमच्छ। तुम ही बताओ और कोई होता तो कहता मैं इस दरिया की मछली हूँ। अरे भाई आदमी दुनिया में मछली क्यों बने? जिसे जो पकड़ लेता खा जाता है, तो मगरमच्छ क्यों ना बने जिसे हाथी भी डरता है। तुम आजकल करते क्या हो? वकालत कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, ये तुमने बहुत बुरा किया। चौगा तो पहन लिया मगर हमारा मुंह मीठा नहीं कराया। मैं सदा हाजिर हूँ। अच्छा तो बताओ पता कहाँ रहते हो? 19 नंबर राम कुमार स्ट्रीट, नोट कर लीजिए। और कोई होता तो तुम्हारा पता कागज पर नोट करता, हमने मन पर नोट कर लिया है, अब कभी नहीं भूलेंगे, किसी दिन भी आन धमकेंगे। मगर देखो मिठाई तैयार रखना। हाँ जरूर। दीदी समर बाबू आ रहे हैं। नमस्ते। नैन अच्छी तो है? और सब अच्छे? जी हाँ आप कैसे? अच्छा पालकी में कौन है? दीदी बात कीजिएगा। दीदी दीदी समर बाबू आए हैं, बात करोगी उनसे? बोलो बात करोगे? तरु कमजोर ना बनो, याद रखो अब तुम दूसरे की स्त्री हो, तुम्हें जीवन भर मशाल की तरह जल जल कर जीना है। नैन उठवा पालकी, चलो घर। उठा पालकी, चलो चलो। अगर मुंह से एक बात कर ही लेती दीदी तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? देखो समर बाबू ने। रहने देना है, अब वो बात ना छेड़। मेरे भाग का लिखा आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत है, इसी सत के सहारे अब मैं जीऊंगी। आज नहीं तो कल बिखर जाएंगे टूट चुके हैं महल, हंसते हुए चल।
बुलाकर अपमान, और कोई होता तो आप, मैं समझा कोई और। अरे बिहारी, जल्दी से जरा जलपान का बंदोबस्त कर दे। उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है, आप बेफिक्र रहिए। अच्छी बात। आ लाजवाब, कितनी अच्छी मिठाई है। हाँ बाबा, तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं, कोई खास बात नहीं। आपकी बातों से मालूम होता है कि जमींदार जतींद्रनाथ आपसे कुछ खुश है। क्यों ना हो, पराई दौलत पर रियासत कर रहे हैं, असली मालिक का पता नहीं, इसीलिए ये गुर्राजबा है। असली मालिक है जमींदार बादशाह राम ने ना जाने किस कारण अपने इकलौते बेटे राम रतन को जमींदारी से महरूम कर दिया था। अरे जतींद्र के बाप को। ये बात है। छोड़िए इन फजूल बातों को, मुझे इनसे क्या मतलब। फजूल बात? बादशाह राम ने इतनी बड़ी जायदाद बेटे के बजाय अपने नायब मनोहर दास को दान कर दी, ये फजूल बात। इसी अकल से वकालत करोगे? ठीक है, लेकिन नायब साहब, ये तो एक अजीब कहानी है। कहानी नहीं, नाटक है नाटक। उस मनोहर दास के किसी वारिस को बरसों ढूंढने के बाद भी जब किसी का पता नहीं मिला, तब वसीयत नामे की शर्तों के मुताबिक राम रतन के इस बेटे जतींद्र को जमींदारी पर कब्जा करने का हक हो गया, यानी पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बन बैठे। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। अच्छा नायब साहब, हाँ, ये मनोहर दास की तलाश के लिए अखबारों में इश्तहार तो दिए होंगे, कानूनन ये जरूरी है। मुझे कानून सिखा रहे हो साहबजादे? हमारे सोलिसिटर और चंद्रकारण कंपनी इश्तहार दे देकर थक गए, मगर किसी का पता नहीं मिला। चंद्रकारण कंपनी? हाँ। लेकिन अगर मनोहर दास या उसके किसी वारिस का पता चल जाए तो? आई मिठाई खिलाकर मेरे पेट की बात उगलवाना चाहते हो साहबजादे? नहीं, देखो बाबूजी, मैं नमक हराम नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं, मैं तो यूं ही लड्डू तो पड़ा रह गया। अरे हाँ लड्डू, इसे यहीं पड़ा रहने दो, नहीं तो मैं भी यहीं पड़ जाऊंगा। अच्छा अब मैं चला। तो अब जाइएगा। हाँ।
कभी कभी दर्शन देते रहिए। जरूर जरूर जरूर। बुजुर्गों की सोबत से बड़े फायदे हैं। बुजुर्गों की सोबत से बड़े फायदे हैं। ये संपत्ति अगर रामरतन की नहीं है तो किसकी है? A range of blank audio cassettes from T-Series, rugged, dynamic, and pure quality. Presenting the latest in TV technology. Only from T-Series, unmatched quality, unbeatable price. T-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees, free gifts up to 3500 rupees, and with 6 months T-Series warranty. Lekin. अगर इस मनोहर दास का कोई बाल बच्चा जिंदा निकल आए तो इस जायदाद पर उसका हक होगा और कानून उसकी सहायता करेगा। बराबर। और आप तो खुद वकील हैं। एक बात और, ये मनोहर दास रहने वाला कहाँ का था? रहने वाला साहब विक्रमपुर का। विक्रमपुर? हाँ। ओ, अच्छा। ओ, मगर अमर बाबू आपको प्रमाण देना होगा कि आप मनोहर दास के रिश्तेदार हैं। माफ कीजिए, मैं मनोहर दास का कोई रिश्तेदार नहीं। नहीं तो खामोखा पराई आग में क्यों कूद रहे हैं? क्यों? ताकि अन्याय का धन अन्यायी के पास न रहे। अन्यायी। नमस्कार, ये सात कौड़ी मुखोपाध्याय कहाँ रहते हैं? सात कौड़ी? सात? ओ, सत्तू चाचा का मकान पूछ रहे? देखिए साहब, आप सीधे इस तरफ चले जाइए और जब मोड़ आए तो दाई तरफ का दूसरा मकान, बस वही सात कुड़ी मुखोपाध्याय का मकान है। माधव, ऐसे आदमी कभी देखे हैं तैने? सात दिन से ये दोनों इस गांव में थक्के खा रहे हैं और तलाश कर रहे किसी एक मनोहर दास को जो कहीं है ही नहीं। अरे दरवाजा क्यों खोल दिया तूने उल्लू? कौन? मैं हूं समरनाथ। समरनाथ घोष, कलकत्ते से आया हूं। तुम हो? बैठो बैठो, यहीं के। आज तो इतनी सर्दी है कि हाथ पांव ऐंठे जाते हैं। अरे तू क्या तमाशा देख रहा है उल्लू? पांव दबा। कहो क्या कहते हो? बाबा जी, आपके गांव में कोई मनोहर दास जी थे? दमोदर दास? दमोदर दास नहीं, मनोहर दास। मनोहर दास? जी हाँ हाँ हाँ, मनोहर दास थे। अरे उल्लू जा, चलो भरला। मगर मनोहर दास को तो मरे हुए 15 बरस बीत गए। उनकी स्त्री जीवित है? उनकी स्त्री एक सती थी, इसलिए वो उससे पहले मर गई थी। उनके औलाद? उनके उनके कोई औलाद थी? औलाद क्या थी, एक मुसीबत थी। उसकी औलाद सिर्फ एक अंधी लड़की थी। उस समय उसकी उम्र 3 साल के लगभग होगी। आप बता सकते हैं अब वो कहाँ है? अरे बाबा, मालूम होता तो बताना देता। मेरे ख्याल में मर खप गई होगी कहीं। समझ गए? अच्छा, नमस्ते। उल्लू, पहले क्यों ना बताया? भाई क्या नाम है तुम्हारा? वो मचान पर कुछ पुरानी चिट्ठियां रखी, उतारो।
और देखो शायद इनसे तुम्हारा कुछ काम चल जाए। मनोहर दास के डूब मरने के बाद कुछ अंग्रेजी चिट्ठियां उसके नाम की आई थी। मनोहर दास, और क्योंकि मैं गांव का मुखिया था इसलिए वो मेरे पास ही आ गए और मैंने संभाल कर रख छोड़ी थी। कुछ मिला? जी हाँ, शायद इससे मुझे कुछ मदद मिल जाए। ले जा। अच्छा ले जाओ। डाला बाबू संभल के, बहुत अंधेरा है। नहीं रे, अब रोशनी नजर आ रही है। महाशय, मैं आपके साड़ू मधुकर का पड़ोसी हूँ और आपको इतला देता हूँ कि आपकी अंधी बेटी आपको याद करके हरदम रोती रहती है। उस 3 साल की नन्ही का रोना मुझसे नहीं सुना जाता, इसलिए कृपा करके आप इस पत्र के मिलते ही चले आएं और साथ ले जाएं। आपका गिरीशचंद्र। 21 नंबर मिर्जापुर स्ट्रीट। अगर उस समय वो 3 साल की थी तो अब उसे 18 या 19 साल की होना चाहिए। अंधी है, काश वो जिंदा हो। शायद अब की फूल खिलेंगे। सूरज भी निकला है माँ, मालूम होता है बादल फट गए। मुफलिस की दुनिया में न सूरज निकलता है न बादल फटते हैं। क्या कहा तूने? बेटा सरला, कल तो मैं किसी न किसी तरह जमींदार के घर फूल दे आई थी, मगर आज मेरा बुखार बढ़ गया है, मुझसे उठा तक नहीं जाता। अगर आज वहां फूल ना पहुंचे तो चूल्हा गरम ना होगा। अगर तू कहे तो आज जमींदार के घर मैं फूल ले आऊं। कहने को कह दूं, मगर तू जाएगी कैसे? तुझे तो दिखाई नहीं देता। मेरा मतलब है, जमींदार का घर दूर है और तुझे वहां गए इतने दिन हो गए कि अब तो तू रास्ता भी भूल गई होगी। मुझे रास्ता याद है माँ, मेरी लाठी मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं। जाओ माँ। अच्छा बेटा जा। अच्छा और हाँ, जमींदार की नई स्त्री तुझे देखना भी चाहती थी। वो मन की भली है मगर जबान जरा सख्त। मैंने कहा जबान सख्त है लेकिन हाथ तो नरम है। पैसे की जगह 2 पैसे देती है। कौन? सरला, 5 दिनों के बाद आई? हाँ, छोटी माँ के लिए फूल लाई। आओ मेरे साथ चलो। तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं छोटी माँ को बुला रहा हूँ। नयन, नयन तारा। आई छोटे बाबू। छोटी माँ कहाँ है नयन? भगवान जाने किस किस की सेवा के लिए कहाँ कहाँ घूम रही है। देखो ना, अभी तक मुंह में एक दाना डालने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली, पर सारा दिन काम 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 ही हो रहा है। उनसे कह दो मधुसूदन की लड़की फूल लाई है उनके लिए। लाओ, दो ना मुझे, मैं दे दूंगी। नहीं, छोटी माँ मुझसे मिलना चाहती थी, मैं उन्हें ये फूल देकर प्रणाम करूंगी। सुनो नैन तारा, बंदी है, जा छोटी माँ को बुला कर लाओ। तुम जरा यहीं ठहरो सरला, छोटी माँ अभी आती है। है?
होशियार रहना दीदी, ये सिर्फ अंधी ही नहीं शायद पागल भी हैं। कौन जाने, लेकिन पागल कर देने वाला रूप जरूर है। क्यों रे नन्ही परी, तू इस संसार में कैसे उतर आई? आप कौन? मैं तुम्हारी छोटी माँ। छोटी माँ? ठीक है ठीक है। फूल लाई हूँ छोटी माँ। वाह कितने सुंदर फूल है, और तू तो इनसे भी सुंदर है। ले फूलों के दाम ले। ये 2 रुपए छोटी माँ, फूलों के तो 2 आने हुए। अरे बिठिया जो दे रही है ले लो, इनके लिए रुपए पैसे तो कौड़ियों के मोल है। ठीक है जाओ बिठिया जाओ, तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं, जाओ। सुनती हो सूरज सर पे आ गया। अरे अब तुम मुंह में कुछ दाना पानी डालोगे या अभी भी कुछ काम बाकी रह गया? अरे मैया छोटे बाबू फिर इधर ही आ रहे हैं। ओ छोटी माँ मुझसे कुछ कहना है जितिन? कुछ नहीं छोटी माँ, मधुकर की लड़की तुम्हारे लिए फूल लाई थी, मिल गए ना? ओ यही तो हैं, कितने अच्छे फूल हैं। हाँ और लड़की फूलों से भी अच्छी है। भला जितिन इस अभागे देश में ऐसी लड़कियां जन्म क्यों लेती है? तुम्हारी बात समझ नहीं सका छोटी माँ। अच्छा क्या अंधी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता? तुम चाहो तो हो सकता है। A range of blank audio cassettes from T-Series, rugged, dynamic, and pure quality. Presenting the latest in TV technology. Only from T-Series, unmatched quality, unbeatable price. T-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees, free gifts up to 3500 rupees, and with 6 months T-Series warranty. पर दिल के पास जो कौन है मेरे वो कौन है मेरे वो।
पीहा भी पल पल पुकारे पी पल पल पुकारे पी मैं आज किन के नाम की मैं आज किन के नाम की माला रही फिरो कौन है मेरे वो आँखों से दूर दूर आँखों से दूर दूर है पर दिल के पास जो कौन है मेरे वो कौन है मेरे वो दुनिया में सभी से है निराला मेरा अनुराग निराला मेरा अनुराग बाहर से कुछ न देखूं भीतर जले चिराग भीतर जले चिराग मैं उनको चाहती हूँ मैं उनको चाहती हूँ जानू नहीं जिनको कौन है मेरे वो आँखों से दूर दूर है पर दिल के पास जो कौन है मेरे वो कौन है मेरे वो जतिन नायब साहब से पूछो उनके ध्यान में कोई अच्छा लड़का है छोटी माँ मधुकर की बेटी सरला का ब्याह करना चाहती है सरकार वो तो अंधी है उससे ब्याह कौन करेगा जतिन मैं रुपया खर्च करने को तैयार हूँ आप रुपया खर्च करेंगे पूछो हीरालाल नामी इनका कोई रिश्तेदार है जो अखबारों में लेख लिखता है जी हाँ और शराब भी पीता है ओ, तब तो ये लड़का ठीक नहीं जतिन नायक साहब का बेटा गोपाल है उसका तो ब्याह हो चुका है छोटी माँ सरकार मैं अपने बेटे गोपाल का दोबारा ब्याह करना चाहता हूँ एक स्त्री के रहते हुए वो तो पांच है बांध सरकार पत्नी की जाती है पुत्र के लिए और फिर शास्त्र में भी तो यही लिखा है पुत्रार्थे क्रियते भार्या ठीक है जतिन अगर लड़का अच्छा है तो सरला सुखी रहेगी नायब साहब से कहो कि ब्याह का बंदोबस्त करें जो क्यों जी क्या खोज रहे हो अरे हाँ तुम्ही को तो खोज रहा था यहाँ जंगले के पास हाँ देख रहा था कि नीले आकाश में तुम पंख खोल कर उड़ गई कि नहीं क्योंकि ये सोने का पिंजरा तुम्हारे लिए तो कैद खाना ही ना है तरंग छी छी ऐसी बातें ना करो क्या तुम सचमुच समझते हो कि यहाँ मुझे बहुत दुख है होना मुमकिन ही है देखो ना मैं खुद भी तो अपने इस बड़े महल की तरह पुराना हूँ उसी की एक बिलौरी फूलदानी को सजाने के लिए बनफूल तोड़ लाया हूँ उसको तो एक दिन मुरझा जाना ही है तरंग फूल तुम तो समझदार हो क्या बनफूल भी पूजा के बाद प्रसाद होकर धन नहीं हो जाता तुम्हारे सामने मेरी सभी तरह हार ही है तरंग इतने ही दिनों में सारा भार अपने ऊपर लेकर तुमने मुझे बिल्कुल निकम्मा बना दिया अब यही देखो ना चश्मा ही नहीं मिल रहा है क्या चश्मा मैं ढूंढे देती हूँ ये लो मगर वादा करो अब ऐसे दुख पहुंचाने वाली बातें मुझसे कभी ना करोगी तुम सब मर्द हो मजबूत पेड़ और हम सब पेड़ की कोमल लताएं तुम्हारे आश्रय में ही तो हमारा जीवन है नहीं तो धूल में मिलते कितनी देर लगेगी तुम्हारी बातों से मुझे ताजुब होता है तरंग कि मामूली गांव की लड़की इतना सब सीखी कैसे जरूर तुम्हारे मास्टर साहब बड़े विद्वान रहे होंगे ठीक है ना हाँ तुम पढ़ो मैं तुम्हारे लिए फल ले आऊं Thank you.
क्या लिखा दुनिया में कोई न जाने, बेकार है अपने मन के महल सब सपने सुहाने, किसकी किस्मत में क्या लिखा दुनिया में कोई न जाने। जो सलामत उतर गए पार, जो सलामत उतर गए पार, उनकी किस्मत में थी कोई खूबी, वरना ऐसे तो है यहाँ लाखों जिनकी किश्ती किनारे पे डूबी। भगवान का है जो विधान, भगवान का है जो विधान, उसे इंसान क्या पहचाने, किसकी किस्मत में क्या लिखा दुनिया में कोई न जाने। इस जग में है जितने पंछी, यहाँ उनमें भी कितना भेद रे, इस जग में है जितने पंछी, यहाँ उनमें भी कितना भेद रे, कोई उड़ता आजाद गगन में, कोई पिंजरे में है कैद रे। छोटे बाबू के कमरे से। छोटे बाबू? लेकिन जतीन तो घर में है नहीं। तो भूत ने आवाज की होगी। भूत नहीं दीदी, चुड़ैल है, चुड़ैल। सरला तू यहाँ? जी, फूल बेचने के लिए। सल्ला, तू जानती है कहाँ आ पहुंचे हैं? जानती हूँ। चुप रह, क्यों आई इस कमरे में बता, बोल। समझी। हाथ खला सल्ला, तेरे फूलों के दाम 2 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। जा और कभी इस रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश न करना। जा। रहे झोपड़ों में और सपने देखे महलों के, कहीं छोटे बाबू ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। कहाँ छुपे रहते हो? जब आया
सुना बाबूजी घर में नहीं है, बाबूजी घर में नहीं है। बाबा इतना बाहर रहने से वकालत थोड़ी चलती है। बाबूजी चारा फेंक कर ताक लगाए बैठे रहो, जब जाके कहीं मछली फंसती है। ठीक, बिल्कुल ठीक, अब से ऐसा ही करूंगा। अरे बिहारी, नाय साहब के लिए जरा जलपान का बंदोबस्त कर दे। अरे ना ना ना, आज जलपान नहीं, आज मैं तुम्हें नौता देने आया हूँ। मेरे लड़के का ब्याह है। ब्याह? अच्छा, कहाँ? मिर्जापुर स्ट्रीट में। आओगे ना? मिर्जापुर? लड़की तो सलीके वाली होगी। बेशक, मगर अंधी है। दौलत की तिजोरी के आगे सारी बुराइयां छुप जाती हैं। और बहू का नाम? अरे नाम माम क्या करना है। हाँ सरला, मगर देखो भूलना नहीं, आना जरूर। मिर्जापुर, अंधी। नमस्कार। कौन? हीरालाल, मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम यहां ना आया करो। तीन बार? तीन बार झूठा गया, तेरा बार। अच्छा, तेरा बारी से। अब ना भूलना, बताओ क्या काम? काम ये है कि ये जो आप गोपाल का दूसरा ब्याह कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। बुरा कर रहे हैं? कौन बोंगल कहता है? राम रतन ने दो ब्याह किए, बुरा किया। मैंने अपने तीन ब्याह किए, बहुत बुरा किया। तेरे बाप ने भी तो बुरा किया। देखिए साहब, बाप तक ना पहुंचे। क्यों ना पहुंचू? जरूर पहुंचूंगा। तो बता, उसके कितने ब्याह हुए थे? तीन। तो मैं गोपाल का दूसरा ब्याह क्यों ना करूं? इसलिए कि मैं इसे सामाजिक पाप समझता हूं और इसके विरुद्ध मैं कई लेख लिख चुका हूं और लोगों ने उन्हें जलाकर हुक्का पी लिया। अब दूसरा कारण यह है कि मैं भी तो आपका अजीज हूं, मुझे एक ठो स्त्री भी ना मिले और गोपाल को दो दो मिल जाए। अच्छा, रूपों की बू पाते ही नशा चढ़ गया। शराबी कहीं का। शराबी? हाँ शराबी। भूल गए कि हीरालाल लेखक भी है? जब वो लिखने बैठता है तो बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं उसके सामने। आप है किस ख्याल में? जरा थे। चल निकल यहां से। जरा पैर तो छू लेने दीजिए। ले छू छू छू। लेखक। क्या हुआ भैया? बहन, हुआ क्या? तुम्हारे ससुर के नाक में तो रुपयों की बू घुसी है, वो किसी के मानेगा नहीं। तो अब क्या होगा? घबराती क्यों? मैं न रहेगा बांस न बजेगी बंसरी। मैं उस अंधी से खुद ब्याह कर लूंगा और गोपाल ताकता रह जाएगा। तो जुग जुग जिए मेरे भैया, जल्दी जा। तुम्हारे पास दो रुपये हैं, बड़ी जरूरत है चंपा रानी। शराब पिएगा? छी 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 छी, तुम इतनी मुसीबत में और मैं शराब पीऊं? भला ये कभी हो सकता है? राम राम, जग जग जियो मेरी बहन, जग जग जियो। ओ पति परमेश्वर गुरगुरी चंद, अगर तू मेरे घर में सौत लेकर आया तो याद रख, पहले उसको कत्ल करूंगी, फिर तुझे कत्ल करूंगी, फिर मैं खुद सती हो जाऊंगी, समझा? नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, कृपा करके छोटे बाबू से कह दीजिए कि सब प्रबंध हो गया है। परंतु असल प्रबंध तो आपने किया ही नहीं। माने, आप कौन हैं? आपका एक शुभ चिंतक हूँ। देखिए मधुकर बाबू, जिस आदमी की एक स्त्री जीवित हो उसके साथ किसी कुमारी कन्या का ब्याह करना सामाजिक पाप है। उसी वक्त ऐसे सामाजिक पाप के विरुद्ध संसद आने वाले मेरे लेख समाचार पत्रों में तो आपने जरूर पढ़े होंगे। मैं पत्रिका नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, परंतु महाशय हमारे देश में भले घर के कुवारे लड़कों की कमी नहीं है, उनमें से एक श्री हीरालाल दत्त स्वयं सेवक। अफसोस है, अब तो सब कुछ तैयारियां हो गई, कल शाम को ब्याह है।
तो आप ऐसे सामाजिक पाप का प्रचार करना चाहते हैं? कीजिए, परंतु मेरी निर्दोष बहन चंपा का सुख छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं। ओ, तो तुम चंपा के भाई हो? जी हाँ। उसका जीवन कैसे बर्बाद होगा? इसका जवाब मेरा कलम देगा। मैंने कहा आपके पास कुछ वो है? वो? वही? वो क्या? दारू। दारू? उसमें क्या है? गठिया के मालिश का तेल है। ओ, तब तो कोई बात नहीं। भले आदमी अपने घर में दारू वारू नहीं रखते, अजी दारू से धन बुद्धि तन दुरस्ती सब नष्ट हो जाती है, कभी कभी प्राणों पर आ बीतती है। अच्छा, नमस्ते। बदमाश लफंगा, बेकार इतना समय खराब कर गया। ए जी, तुम तैयार हुई? आती हूँ। शराबी सरला, दरवाजा बंद रखना, यहाँ लुच्चे और बदमाश बहुत बढ़ गए हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। समझी ना, हम औरतों के लिए सबसे बड़ी चीज है पति, वही मिल जाने में हमारी पूरी सफलता है। इसके बाद तो पति सेवा में सब कुछ भूल जाना ही औरतों के लिए बाकी रह जाता है। धर्मशास्त्र तो मैं जानती नहीं दीदी, हाँ लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मनपसंद पति पाने से ही औरतों का जीवन धन होता है, नहीं तो जल जल के राख। छोटी माँ, कौन? अरे मैया, तुम्हारी अंधी परी दीदी। जाना है, उसे ले आ। आओ बिटिया, आओ। आ सरला, आ। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे और तेरी माँ को बुलवाने ही वाली थी। कुछ कपड़े और जेवर रखे हैं, तेरी माँ देख के ले जाए। लेकिन सरला, तुझे जरा देर सबर न किया गया बेटी? कहावत है ना, जिसको दावत देनी थी वो थाली लिए पहले से बैठी है। क्या हुआ सरला, तू इतनी उदास क्यों है? मैं ये ब्याह नहीं कर सकती छोटी माँ। वाह, ये कैसी बात? क्यों, ये ब्याह तो क्यों नहीं कर सकती? मेरा जी नहीं चाहता। तेरा जी नहीं चाहता? सब ठीक हो गया है, छोटे बाबू ने सब इंतजाम किया है। छोटे बाबू हम गरीबों का दुख क्या समझेंगे? अरे मैया, जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। तुम्हें क्या पड़ी है किसी की भलाई में दीदी? मेरी भलाई किसी को नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहा, छोटा मुंह और बड़ी बात? तुझे ये ब्याह करना ही पड़ेगा, जब तक तू राजी नहीं होगी यहाँ से जा नहीं सकती। मैं तेरी खामख्याली से छोटे बाबू का सर नीचा नहीं होने दूंगी। मुझे जाने दो, मैं छोटे बाबू से कहूंगी, वही मेरा दुख समझेंगे। मैं वही जाऊंगी, मैं वही जाऊंगी। सुन सरला, होनहार कोई रोक नहीं सकता, इससे जो मिले सबर के साथ अपना लेने में औरतों का बड़ापन है, क्योंकि हम जो चाहती हैं वो तो मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे हम चाहती नहीं, तो सबसे बड़ी भूल हमारा ये चाहना ही है। मैं कुछ नहीं जानती छोटी माँ, आप मुझे बताएं, क्या छोटे बाबू सचमुच चाहते हैं कि मैं ये ब्याह करूं? हाँ, छोटे बाबू चाहते, छोटे बाबू चाहते। वो क्यों ना चाहेंगे, वो क्यों ना चाहेंगे? लेकिन उन बेचारों का क्या दूंगी, सारी धूल तो मेरी है, पैर की धूल होकर सर का ताज बनना चाहिए। सर का ताज, काश छोटे बाबू जान पाते कि उनकी दासी मनी मन उनके गले माला डाल चुकी है। कौन, कौन है, कौन? ये भी मेरी एक दोष है, ये भी मेरी एक भूल है।
माँ। छोटी माँ। क्या है जतिन? छोटी माँ। क्या है? कहो, कहो ना। जो बात आज मुझे मजबूरन कहनी पड़ रही है, उसकी माफी चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है? तुम सरला को इस घर की बहू बनाना पसंद करोगी? तो इतने दिन मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अच्छा, अभी समय है। बुलाओ नायक साहब को। कहो, मैं बुला रही हूँ। जाओ। अच्छी बात है छोटी माँ। रखने वाला है राम दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों प्रभु ने बनाए हैं हम सबके वास्ते हम सबके वास्ते इस संसार के टेढ़े मेढ़े रास्ते चले चलो हे परदेसी मुसाफिरों धीरे धीरे आस्ते आस्ते धीरे धीरे बाबू आस्ते आस्ते लड़ना है तुम सबको जीवन संग्राम दुनिया के लोगों लो हिम्मत से काम सबकी फिक्र रखने वाला है राम दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों, ओ दुनिया के लोगों। छोटे छोटे खतरों से डरते क्यों हो घड़ी घड़ी आहे भरते क्यों हो छोटे छोटे खतरों से डरते क्यों हो घड़ी घड़ी आहे भरते क्यों हो सबको मिलते यहाँ खुशी और गम ओ खुशी और गम किसी को ज्यादा बाबू किसी को कम ओ किसी को कम मालिक जो दे तुमको पी लो वो जाम दुनिया के लोगों लो हिम्मत से काम सबकी फिक्र रखने वाला है राम दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों बच बच के चलना और बग बग पे डरना ऐसे जीने से बेहतर है मरना बेहतर है मरना जी बेहतर है मरना देखो मतवार आज लंगर को तोड़ दो अपनी नौका को आज तट पर ही छोड़ दो सागर में कूद पड़ो लेकर हरि नाम दुनिया के लोगों लो हिम्मत से काम सबकी फिक्र रखने वाला है राम दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों ओ दुनिया के लोगों मैं यही कहता हूँ तुम जाओ अंदर तू आ गई माँ कौन कौन है तेरी मौत अगर मेरी मौत मेरे घर आ जाती
तो मेरे भाग न जाग उठते। वो तो मेरे घर का रास्ता भूल गई है। भूल गई? अभी याद कराती हूँ। चोड़ैल कहीं की चोरी के बेर बहुत मीठे लगते हैं ना। तू चंपा है मेरी होने वाली सौत। सौत जलमूही, मैं तुझे चंदन लगाकर और शंख बजाकर इस ब्याह के लिए बधाई देने नहीं आई, मैं तेरा दाह करने आई हूँ। मगर चंपा दीदी, तू मुझे इतनी आशीर्वाद क्यों दे रही है? मैं तो तेरे पति से ब्याह करना नहीं चाहती। नहीं चाहती तो फिर हीरालाल क्यों कह रहा था कि? कौन हीरालाल? अच्छा सरला, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा ये ब्याह हो? नहीं दीदी, कोई उपाय कर और मुझे बचा। समझी। अच्छा तू एक काम कर, 2 दिन के लिए कहीं छुप जा, लगन बीत जाए तो फिर चली आना। मगर दीदी मैं अंधी, कहाँ जाऊं? अच्छा तू मेरे साथ चल, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी। डर कहेगा, मैं तो हूं, आ मेरे साथ। बलवान रोको। महाशय जी। क्या है? यहाँ मधुकर बाबू का मकान कौन सा? वो है। मगर वो इस वक्त घर में नहीं है। तो क्या आप? तू मेरे भाई हीरालाल के साथ चली जाए। तुम नहीं चलोगी चंपा दीदी? नहीं सरला, अगर मैं तेरे साथ चली तो सारा भांडा फूट जाएगा। तू जरा भय ना कर, हीरालाल बड़ा होशियार आदमी है। मधुकर बाबू घर में हैं? मधुकर बाबू घर में हैं क्या? घर में कोई है? जी हाँ, मैं मधुकर हूँ। आप कौन हैं? आप मधुकर बाबू? जी हाँ। आपसे एक बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है? जी हाँ। हाँ आप बैठिए, मैं अभी आया। उसे बुलाओ। बुलाओ बुलाओ। हो गया महाशय, मेरी लड़की घर में नहीं है। घर में नहीं है? घबराई नहीं, कहीं आसपास गई होगी? नहीं नहीं, आसपास कैसे जा सकती है, वो तो अंधी है। अंधी? जी हाँ। आप हीरालाल और चंपा को जानते हैं? जी हाँ, भाई बहन है, हमारे पड़ोसी होते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ आते समय रास्ते के मोड़ पर मैंने उन दोनों को एक लड़की के साथ बातें करते देखा था। आप समझा? आप चंपा का मकान जानते हैं? जी हाँ, वही तो है। ओ, एक काम कीजिए, अपनी स्त्री को लेकर मेरे साथ चलिए, जल्दी कीजिए, जाइए। बड़ा ब्याह करने का शौक चढ़ाया था, जरा चिकना चेहरा देखा और लाल टपक पड़ी। अब करो ब्याह। अब ये रात के समय कौन आमरा? कौन है? मैं हूँ बेटी, जरा दरवाजा खोल। सत्यानाश, अंधी की माँ आ गई। तुमने जरा भी मुंह खोला तो याद रखो, या तुम नहीं या मैं नहीं। आई क्यों सरला की माँ इतनी रात कर? देखो मैं पुलिस का आदमी हूँ, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो फौरन बता दो सरला को हीरालाल कहाँ ले गया, वरना तुम जानती हो पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती। दरोगा साहब कृपा कीजिए, मेरा इरादा बुरा नहीं थी। और कौन है जो सौत को पसंद करे? तुम्हारे बाप का नाम और घर? नाम श्री राम बख्शी, घर त्रिबेन। किस रास्ते गए हैं वो? दरिया के रास्ते। अब
अब अगर तुमने मुंह खोला तो समझ लो जेल का दरवाजा भी खुल जाएगा। जाओ। तो जनाब आप पुलिस के आदमी हैं? मेरा ख्याल इस मामले में आप भी चुके रहे। बहुत अच्छा। जरा जल्दी जल्दी चलो ना। चलो। हीरा लाल बाबू। हाँ। आपके हाथ में ये काहे की छड़ी है? ये शीशम की। क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? क्या मजाक करती, इसे कौन तोड़ सकता है? ये तो ठीक है, क्या मैं इसे जरा देख सकती हूँ? हाँ जरूर। अरे बाप रे। ये लीजिए, अब आप जरा कदम बढ़ा के चलिए ना। चलता हूँ ना। अरे बड़ी जालिम है सास मेरी मोटी, छोटी ननंद भी है बड़ी खोटी। बात बात में तंगड़ी लाएगी तंगड़ी, अरे कैसे गलेगी मेरी साल, हाय मैं तो मर गई। हाय 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 वाह। अरे लगा 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 वो मोहे लगा सोन मासाल, हाय मैं तो मर गई। अब जाना 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 जाना, अब जाना पड़ेगा ससुराल, हाय मैं तो मर गई। गोरी गोरी धोबन की छोरी, जरा घूंघट निकाल जरा चुनरी संभाल, जरा घूंघट निकाल जरा चुनरी संभाल। ओ काहे 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 यहाँ बैठे कुएं है कोतवाल कोतवाल, हाय मैं तो मर गई। अरे यहाँ बैठे कुएं है कोतवाल कोतवाल, मैं तो मर गई। अरा रा 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 मर गई? अरे मारे नहीं गई, ये तो डर गई। मोहे लगा 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 मोहे लगा सोन मासाल, हाय मैं तो मर गई। अब जाना 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 जाना, अब जाना पड़ेगा ससुराल, हाय मैं तो मर गई। Thank you.
दिवाली में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा जी जी। लेकिन होली में हमें कौन बजाएगा, कौन बजाएगा जी जी। अब की दिवाली में बड़ा मजा आएगा, लेकिन होली में हमें कौन बजाएगा। सैया मारेंगे पिचकारी मोहे, हाय सैया, सैया मारेंगे पिचकारी मोहे, और देवर लगाएगा गुलाल, हाय मैं तो मर गई, हाय 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 हाय। अरे लगा 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 मोहे लगा फोन माता, हाय मैं तो मर गई। अब जाना 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 जाना, अब जाना पड़ेगा ससुराल, हाय मैं तो मर गई। राजा राजा कुछ है मारा साले ने। हीरा लाल तो मर गया। अपनी हंसी का वजन जरा कम कर दो सरदार साहब। तू है कौन? छोड़ दो उस लड़की को। वाह दिल लगी है, हिम्मत है तो छोड़ा ले। ये बात तो ले देख, डरो ने तुम मेरे साथ आओ। हट। बाबू आप शोर क्यों मचा रहे हैं? गजब हो गया छोटे बाबू। क्या हुआ? सल्ला कहीं चली गई। चली गई? हाँ। ये तो मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? जतिन नायब साहब से कहो जैसे भी हो सल्ला को ढूंढ कर लाए। जो हुकुम। मैं जो कुछ पूछूं ठीक ठीक जवाब देना, अल्लम गल्लम ना बकना। अल्लम गल्लम? मैं अपने दुख में फंसा हूं, मैं क्या अल्लम गल्लम बताऊंगा। तुमने सल्ला को ना कहीं हटाया ना कहीं छुपाया। जी नहीं।
और तुम ये भी नहीं जानते कि इस वक्त सरला कहाँ है? जी नहीं। ओए, और कोई होता तो अपने बेटे का ब्याह ऐसी जगह कभी नहीं करता, मगर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। वकील साहेब आइए आइए, आप आइए। हाँ ये मधुकर बाबू का मकान है? जी हाँ, यही माशा मधुकर। अरे बैठिए बैठिए वकील साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी बेटी का नाम सरला है? जी हाँ। वकील साहब, मैं सरला का होने वाला सुसर हूँ, आप मुझसे बातचीत कीजिए। मुझसे कोई जरूरत नहीं। हाँ सरला लापता है? जी हाँ। देखिए, एक महाशय ने मुझे सूचना दी है कि सरला मिल गई। मिल गए? जी हाँ। इसलिए आप और आपके स्त्री मेरे साथ चलें, बाहर गाड़ी तैयार है, जरा जल्दी कीजिए। ओ, तो वकील साहब, अब तो मेरा चलना आपके साथ जरूरी हो गया, क्योंकि मुझे भी ये देखना है कि सरला कहाँ थी और किसने उसे ढूंढ निकाला। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलिए। वकील साहब, मेरा चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। चलो पूछवा। कौन? ओ सरला, मैं समझा कोई और। कोई तो नहीं, बिहारी गया दवा लाने। लीजिए ये फलों का रस पी लीजिए, क्या आप उठ सकेंगे? हाँ, मेरी सेवा में तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपने मेरी जान बचाई, मेरी आबरू बचाई, मैं तो आपकी सेवा सारी उम्र करती रहूं, फिर भी आपका उपकार नहीं उतार सकती। कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं, अगर तुम चाहो तो बदला उतार सकती। कैसे, बताइए। बताऊंगा किसी और दिन, उस दिन ये बात याद रखना। सरला, सरला। पिताजी कहाँ है? बेटी, बेटी। माँ। सरला। बाबा। बेटी, मेरी बेटी। हर बात ख्वाब मालूम होती है। 15 बरस हुए जब तू 3 बरस की थी, तेरे पिता मनोहर दास ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था। और हमने जब से तुझे गोद लिया है सदा अपनी बेटी ही समझा। देख बेटा, जिसने तेरी जान बचाई, हक और जायदाद दिलाई, वो अब तुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। उसके उपकारों का बदला उतारने का यही एक मौका है। बताओ समर बाबू से क्या कहूं? बोलो बेटा। जो मुनासिब समझिए, मुझे आपकी आज्ञा से न कभी इनकार था, ना है ना होगा। समर बाबू, आपने जो सबूत इकट्ठे किए उन पर काफी गौर के बाद ये मानने पर मजबूर हूँ कि सरला ही उस जायदाद की मालिक। तो चंद्र महाशय, सरला की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि जायदाद पर जल्दी से जल्दी कब्जा करा दीजिए। उसका पूरा इंतजाम करके आया हूँ, ये लीजिए सरला के नाम के नोटिस। ओहो, और ये है रामरतन और जतीन के नाम के। देखिए समर बाबू, बरसों से हमारी कंपनी का उस खानदान से संबंध है और आज हम ही उनके खिलाफ। मैं समझा। देखिए कानूनन ये काम आपकी तरफ से मैं भी कर सकता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। एतराज? अरे साहब, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये लीजिए। ओह धन्यवाद। जतिन, अपना दिल छोटा ना करो बेटा, अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं सरला को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगी। अगर तुम पहले बता देते
कि तुम्हारा ध्यान सल्ला की तरफ है। छोटे बाबू क्या है? छोटे बाबू से मिलने कोई बाबू आए हैं। छोटी माँ आशीर्वाद दो, शायद कोई सल्ला की खबर लाया है। कौन बाबू है, कुछ नाम बता। जी हाँ, समरनाथ घोष। नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिए मैं उठकर नमस्कार नहीं कर सका, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। अफसोस हुआ ये सुनकर, मैं महाशय को पहचान नहीं सका। मगर मैंने महाशय को पहचान लिया है, इस कमरे का कोना कोना आपका असली परिचय दे रहा है। ये कीमती सामान, ये उम्दा तस्वीरें, ये चुनी चुनी किताबें, सभी से आपकी ऊंची पसंद और दौलतमंदी का काफी अंदाजा हो रहा है। धन्यवाद, मैं बड़ा खुशनसीब हूं। काश चंचल लक्ष्मी हमेशा इसी घर में बसी रहे। खैर, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां आने का असल मतलब बयान करूं। कहिए। आप मधुकर बाबू की लड़की सरला को तो जानते हैं? सरला? जी हाँ, उसके ब्याह का इंतजाम अपने जिम्मे लेकर आपने ये साबित कर दिया कि आप बड़े रहमदिल हैं। इसीलिए आपको ये भी बता देना मेरा फर्ज है कि मैंने सरला से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है और सरला भी राजी हो गई है। आप बड़े मेहरबान हैं। मेहरबान, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। हां, मगर मैं खुशनसीब जरूर हूं क्योंकि आज सरला बहुत बड़ी संपत्ति की मालिक है। ये संपत्ति जिस पर इतने दिनों तक आप लोगों का अधिकार था, कानूनन वो सरला की है। मैं अब तक समझ रहा था कि मैं किसी ज्ञानी और मेहरबान से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला। आप या तो धोखेबाज हैं या पागल। छगन, इन्हें फाटक तक पहुंचा दो। जरा ठहरिए, सॉलिसिटर चंद्रकार एंड कंपनी की तरफ से यह नोटिस आप तक पहुंचा देने की सेवा मुझको सौंपी गई है। तो आपने नोटिस वसूल किया। चल भाई छगन, अब मुझे फाटक तक पहुंचा दे। इधर। कलकत्ता समाचार, नई खबर, ताजी खबर, आंधी लाखों की मालिक हो गई। कलकत्ता समाचार, नई खबर, ताजी खबर, कलकत्ता समाचार। उस समय तो तेरे आग लग गई थी, ले देख, तेरी वजह से लाखों की जायदाद चली गई, सोने का संसार तेरे ही कारण मिट्टी में मिल गया। 20 अब उम्र भर चक्की 20। गुड़ गुड़ गुड़। अरे गुड़गुड़ी चंद, तुमने मुझे ये क्यों ना बताया? तू अंधी इतनी अमीर भी है, अब अपना सर फोड़ो इसी हुक्के के साथ जो तुम्हारे हदम का साथी है। साले, तूने अपना बेड़ा भी गर्व किया, मेरा बेड़ा भी गर्व किया। ले देख, वह लड़की अब लाखों की मालिक है। अब तो लाखों की मालिक हो गई। सरला समरनाथ से ब्याह करेगी, सरला समरनाथ से ब्याह करेगी। परसों शाम को 7:30 बजे शुभ लग्न है। तो परसों शाम को 7:30 बजे। देखिए शर्करा, यह असली कमल हीरों का हार। तो कमल हीरों का हार। देखिए, ऐसी बनारसी साड़ी सिर्फ एक ही है और वो भी मेरे पास।
तो अब से आपके पास भी नहीं। हुजूर, ये नौबत खाना 10 हाथ ऊंचा बनाया है, जैसा जमींदार रामरतन के ब्याह पर बनाया था। और 2 हाथ ऊंचा कर दो। और ये श्रीमती तरंगिनी को। सरला का ब्याह है, ये तो बड़े आनंद की बात है मनकर। हम लोग जरूर शामिल होंगे, लेकिन ब्याह इसी घर में होगा, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने की आशा नहीं की थी छोटी माँ। आज संपत्ति बचाने के लिए जमींदार जतीन मित्र को सरला से ब्याह करना होगा। समाज में तुम्हारे बेटे का ऊंचा सर इससे नीचा नहीं हो जाएगा? नहीं, नीचा नहीं होगा, क्योंकि आज माँ का हृदय बेटे के हृदय की आवाज सुन रहा है, और सरला भी मन ही मन तुम्हारे गले में माला डाल चुकी है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है छोटी माँ, ये सच नहीं है। इसके अलावा वो दूसरे की मंगेतर है, समरनाथ उसका होने वाला पति है। नहीं, समरनाथ कभी उसका कोई नहीं हो सकता। समय पलट गया है, भाग की भयानक हंसी से ये महल कांपने लगा है, तुम कैसे रोक सकोगी तरंग? तुम निश्चिंत रहो, अगर परीक्षा का दिन आ ही गया है तो तुम्हारे आशीर्वाद से जीत मेरी ही होगी। लेकिन तुम वादा करो मेरे किसी काम में दखल नहीं दोगे। वादा करता हूँ। मधुकर बाबा और उनकी स्त्री बाहर गए, आप तो अंदर जाकर बैठिए। सरला, कौन? मैं, तेरी छोटी माँ तेरे घर मेहमान आई है। छोटी माँ? आप कहाँ बैठा हूँ आपको छोटी माँ? मैं बैठने नहीं, तुझे ले जाने आई हूँ। चल, कहाँ चलूँ? अपने घर, आज हमारा वो घर बार, सब कुछ तेरा ही, तेरे ही घर से तेरा ब्याह होगा। छोटी माँ, छोटी माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ कहना है कर, डर कहेगा? समर बाबू की आज्ञा बिना मैं कहीं नहीं जा सकती छोटी माँ, अब वही मेरे सब कुछ है। वो तेरे कोई नहीं है, तेरा जो कुछ है जतीन है, वही तेरा लोक परलोक है, उसी से तेरा ब्याह होगा। चल मेरे साथ। ये क्या कह रही है छोटी माँ? ये नहीं हो सकता छोटी माँ, अब ये नहीं हो सकता। समर बाबू ने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई, मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ छोटी माँ। एहसानों से दबकर जो वचन तूने दिया है वो तेरे मन की सच्ची आवाज नहीं। अब भी समय है सरला, तो अपनी मन की आवाज सुन। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, दूसरे को मन में बसाकर अगर समर बाबू से तेरा ब्याह हुआ तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह आत्महत्या ना कर सरला, और कुछ ना कहिए छोटी माँ, मेरे भाग समर बाबू के हाथों में है, उनके हाथों से ज्यादा मजबूत मेरे हाथ है, सौंप दे अपने को इन हाथों में। तरंगिनी, दूसरे की चीज पर हाथ डालना चोरी डकैती या रायजनी, अपनी जिंदगी में मैं दूसरी बार ये नहीं होने दूंगा। हटा लो अपने हाथ। तू ठहर बेटी, मैं अभी आती हूँ। शांति या लड़ाई? शांति, शांति के लिए अगर लड़ाई की जरूरत पड़ी तो लड़ाई। मैं भी शांति ही चाहती हूँ, इसीलिए तो आपको न्योता देने आई हूँ। कृपा करके परसों शाम को निवास स्थान पर आने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि जतीन के साथ सरला का ब्याह होगा। सच? लेकिन परसों गौधूली के समय तो मेरा ब्याह सरला के साथ यहाँ, अगर हो सके तो शुभ काम में शरीक होना, खुशी होगी।
अगर ये अशुभ काम होता तो कोई इनकार ना था, लेकिन तुम्हारे इस अशुभ काम में सहायता करने के लिए मैं तैयार नहीं। जानते हो जतिन और सरला एक दूसरे को चाहते हैं, बीच में आने वाले तुम कौन? बहुत अच्छे, जायदाद बचाने का बहाना खूब निकाला। उन दोनों की चाहत की बनावटी दुहाई देकर अपनी खुदगर्जी पर पर्दा डाल रही हो। वाह, तुम्हारी तारीफ करता हूँ तरंगिनी। अगर कहूँ जायदाद का लोग मुझे नहीं, मैं सिर्फ सरला को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, तब मैं कहता हूँ कि मित्र खानदान की जायदाद लेकर आप बड़े आनंद से राज कीजिए। मुझे उसका लालच नहीं, मैं भी सिर्फ चाहता हूँ सरला को। और कुछ कहना? हाँ है, लेकिन मेरी बात में शायद लड़ाई की ललकार सुनाई देगी। सरला का ब्याह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होगा। रोकेगा कौन? मैं रोकूंगी। तुम? हाँ मैं। आज समय आ गया है कि इस ब्याह को मैं रोक दूं। जब बरातियों को ये पता चलेगा कि ये ब्याह एक आदमी किसी से बदला लेने के लिए कर रहा है, तो क्या वो ब्याह मंडप से उठकर चले ना जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये भी पता चलेगा कि सरला की जायदाद पर कब्जा रखने के लिए तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुमको तो मैं खूब पहचानता हूँ तरंगिनी, इसलिए मैं भी पहले ही से तैयार हूँ। बहुत अच्छा, भरी बरात में अगर ये भेद फूला कि ये समन्ना एक दिन एक कुंवारी कन्या के कमरे में आधी रात को चोर की तरह घुसा था, जिसकी सजा में तपते लोहे से चोर का शब्द उसके देह पर दाग दिया था, तो क्या उस कलंक का हाल सुनकर सब लोग उस चोर की बड़ाई के गुण गाएंगे? गुन गाएं या न गाएं मुझे इसकी परवाह नहीं। एक सरला के सिवा अगर सारे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो मुझे इसका जरा सा भी गम नहीं। सरला सुनो, आज मैं उसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। सरला सुनो, अब तुम मुझे नहीं रोक सकोगी तरंगिनी। सरला आई, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो क्या कर रहे हो। सरला 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 यहाँ सरला, यहाँ हाथ लाओ। जानती हो ये क्या लिखा है? लिखा है चोर। जानती हो क्यों? सुनो मैं बताता हूँ। जिंदगी में कभी एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर दौलत की वजह से उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई। मेरी समझ में ना आया मैं क्या करूं, मुझसे रहा न गया। और ब्याह के एक रात पहले मैं उस लड़की के सोने के कमरे में जा घुसा आखिरी बार भाग्य परखने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो मेरी भूल थी, उसने मुझे पकड़वा दिया और मेरी उस मोहब्बत के नाम में तपते लोहे से लिखे हुए ये दो अक्षर दिए जो दम के साथ लिए पढ़ रहा हूं। सरला सरला, ये सुनने के बाद तुम मुझसे ब्याह करोगी? करूंगी सरला। एक बात और सरला, मैंने तुम्हें कभी प्यार की नजर से नहीं देखा, मगर वादा करता हूं ब्याह के बाद तुम्हें जी जान से प्यार करने की कोशिश करूंगा। मुझे भी एक बात कहनी है। क्या कहना है? कहो। बात नहीं, प्रार्थना। छोटे बाबू से ये जायदाद मैं नहीं छीन सकती। ये क्या? सरला, तुम जायदाद नहीं चाहती? नहीं। क्यों सरला, क्यों नहीं चाहती? बताओ सरला, बोलो जवाब दो सरला। तो क्या तुम सचमुच जतिन से प्रेम करती हो? सरला, वो आपने मुझसे कैसे कहेगी? एक लड़की के लिए इस सवाल का जवाब देना कितना कठिन है ये तुम नहीं समझोगे। समझ गए, सरला जतिन ही से प्रेम करती है। सरला तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तरंगिनी अपनी बहू को ले जाओ, तुम जीती। जीत मेरी नहीं,
बल्कि तुम्हारी ही हुई है। आज तुमने यह प्रमाण कर दिया कि तुम आदमी नहीं देवता हो। जहां तुमने एक लड़की के प्रेम को समझकर मुझसे अपना बदला लेने की इच्छा को कुर्बान कर दिया, वहां यह भी समझने की कोशिश करो कि जिस तरह सरला दूसरे से मोहब्बत करने के बाद भी मजबूरन तुमसे ब्याह करने को तैयार हो गए थे, उसी तरह अपने इस देश में ऐसी भी बहुत सी नारियां हैं जिनके जबान पर ताला लगा दिया जाता है, जिनके शरीर को कैद करके संसार से बेखबर कर दिया जाता है, जिनके आंसू सुहाग के घूंघट में गिरते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं भी उनमें से एक हूं। डरो नहीं, अब मैं दूसरे की स्त्री हूं। काश ये बातें मुझे पहले मालूम हो जाती तो ये जीवन मरण का खेल कभी न खेलता। जा करंगिनी, सरला को दुल्हन बनाओ, मैं जतिन को बुलवाता हूं। छोटी माँ, छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। कौन? जतिन जी। अच्छा, जाओ उसे अंदर लाकर बैठाओ। जी अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आ गए जतिन, तुम दोनों इनको प्रणाम करो। क्यों छोटी माँ? पहले प्रणाम करो। मनुष्य चाहे तो देवता भी हो सकता है, ये आज प्रमाण हो गया। प्रणाम करो। चल। समर बाबू, दोनों को आशीर्वाद दो ताकि सुखी रहे। तो क्या मेरी सरला का ब्याह छोटे बाबू से होगा? क्यों, क्या मेरा जतिन तुम्हें पसंद नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, तुम सब आगे चलो, मैं आती हूँ। जा बेटी। विदा से पहले एक बार तुमको प्रणाम कर लो। हाँ, क्योंकि इस जन्म में शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शायद, लेकिन अगर दूसरा जन्म हुआ तो? अगर दूसरा जन्म हुआ तो क्या तरंगिनी? दूसरा जन्म हुआ तो? जब तुमसे हमारे और हमसे तुम्हारे हो थोड़े से दिन थे कितने प्यार।